आप सभी को अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इन दिनों राजस्थान में एक बड़ी योजना की शुरुआत हो चुकी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ये काम दिया गया है, उनकी तरफ से आपके परिवार का सत्यापन किया जाएगा, आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा। या तो वो आपके घर पे आएंगे या फिर आपको आंगनवाड़ी केंद्र बुलाएंगे और वहाँ पर आपके परिवार के लगभग सदस्यों का वेरिफिकेशन किया जाएगा आधार कार्ड से, जिसमें आपको कई ऑप्शन देखने को मिलते हैं। चाहे तो आप आधार OTP से वो वेरिफिकेशन करा सकते हैं, या फिर अपना चेहरा दिखाकर वहाँ पर वेरिफिकेशन करा सकते हैं, या फिर आप बायोमेट्रिक से भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। उसके लिए स्पेशली उनके लिए एक ऐप भी तैयार किया गया है और उस ऐप में उनकी आईडी ही लॉगिन हो रही है और उनकी आईडी में जिन लोगों के नाम आए हैं, लिस्ट में जिन लोगों के नाम आए हैं, उनका वेरिफिकेशन वहां पर किया जा रहा है। और जब मैंने पता किया तो उनका ये कहना था कि इन लोगों की वेरिफिकेशन पेंडिंग है, इसलिए इनका वेरिफिकेशन करना जरूरी है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि उन्हें प्रतिदिन का एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि एक दिन में आपको इतने वेरिफिकेशन करने हैं। तो इस तरह से ये काम हो रहा है। अब ये योजना कौन सी है? तो ये योजना है आयुष्मान भारत योजना। जी हाँ, सच कह रहा हूं। आप सभी अगर नहीं जानते आयुष्मान भारत के बारे में तो मैं आपको बता दूं, ये योजना कुछ चिरंजीवी योजना की तरह ही काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर लोग चिरंजीवी योजना से इस योजना को बेहतर मानते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। राजस्थान के अलावा बाकी सभी स्टेट में इस योजना को काफी बड़ी योजना माना जाता है और सभी लोग इस योजना के बारे में जानते हैं। ये योजना चिरंजीवी योजना की तरह ही काम करती है। इसका पूरा नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना का रजिस्ट्रेशन अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कर रही है और जिन लोगों का आधार वेरीफाई नहीं है उनका आधार वेरीफाई किया जा रहा है। बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और इसकी कहीं भी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है, ना ही कोई नोटिफिकेशन आया है और ना ही लोगों को सूचना है। डायरेक्ट आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यह काम दिया गया और वहीं से ही काम हो रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जब तक आपको इस योजना के लाभ के बारे में पता चले तब तक बहुत देरी हो जाए। क्योंकि आप सभी को याद होगा सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में हुई थी और उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन आज उस जनगणना का क्या फायदा है इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। जैसे कि आप फ्री में चिरंजीवी योजना में जुड़ सकते हो, उन्हें पीएम आवास सबसे पहले मिल रहे हैं जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में है। इसके अलावा ढेरों ऐसी सुविधाएं हैं जो उन्हें मिल रही है जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था। तो इसी तरह से ये रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, ये वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। अब ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, जब मेरे पास कॉल आया कि आपके घर में 2-3 नाम ऐसे हैं जिनका वेरिफिकेशन करना है तो मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने बताया चिरंजीवी योजना के बारे में, तो मैंने सोचा यार चिरंजीवी योजना में तो हमारा परिवार पहले से रजिस्टर्ड है, फिर ये वेरिफिकेशन वाला क्या रह गया। मैंने उन्हें घर पर ही बुला लिया और वो आए। उसके बाद उन्होंने बोला हमें ये टारगेट दिया, आप कुछ रजिस्ट्रेशन करवाओ। तो मैंने आसपास के कुछ और लोगों को भी बुला लिया जिनका नाम उनके पास था, उनकी लिस्ट में नाम था और हमारे परिवार के भी काफी सदस्य थे जिनका नाम था, और मैंने खुद से वो वेरिफिकेशन किया ताकि मुझे पता चले कि ये वेरिफिकेशन होता कैसे, और उसके स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा देता हूं। और वो स्क्रीनशॉट मैंने लिए हर वेरिफिकेशन का। उसमें क्या था कि आपको वेरीफाई करना होता है, आप OTP से कर सकते हो या फिर मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो बायोमेट्रिक से कर सकते हो। उसके बाद आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर OTP आता है, उसके बाद लास्ट में जो जिसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है उसका एक फोटो अपलोड होता है, लाइव फोटो खींचकर वहां पर अपडेट करना होता है और वो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। अब इस योजना का क्या लाभ मिलेगा, कैसे लाभ मिलेगा वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन आप सभी को जरूर करवाना चाहिए, ये वेरिफिकेशन आपको जरूर करवाना चाहिए। इससे पूरे राजस्थान को आयुष्मान भारत से जोड़ा जा रहा है और ये कमाल की योजना है। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना हो तो आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पर देख सकते हो। राजस्थान के अलावा बाकी सभी स्टेट में इस योजना का काफी दबदबा है, लोग इसे बड़ी योजना मानते हैं, काफी बड़ी योजना है और काफी फायदा आने वाले टाइम में इस योजना से लोगों को होने वाला है। लेकिन मैं आपको अगेन कहूंगा कि कहीं ऐसा ना हो जब तक आपको इसके फायदे के बारे में पता चले तब तक बहुत देरी हो जाए, आप इसमें रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाओ। तो आप अभी ये पता कर लीजिए और अगर आपके पास कॉल आता है कि आप अपना वेरिफिकेशन करवाइए तो आप तुरंत वेरिफिकेशन वहां पर करवा दीजिए, देरी मत करिए। तो यही मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था, क्या आपके क्षेत्र में ये काम अभी हो रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।